हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में हम ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे थे और ज्योग्राफिकल थॉट में ये हमारा वीडियो नंबर 36 है। इससे पहले हमने 35 लेक्चर करा दिए हैं, जिसमें हमने ग्रीक ज्योग्राफर्स कंप्लीट किए, देन इसके बाद हमने रोमन ज्योग्राफर्स को पढ़ा, इसके बाद हमने इंडियन एंड चाइनीज एंशिएंट ज्योग्राफर्स को पढ़ा, इसके बाद हम आए अरब ज्योग्राफर्स पर, देन इसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ पर क्लासिकल पीरियड, या आप इसको प्री मॉडर्न पीरियड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वारेनियस से। प्रीवियस वीडियो में हमने वारेनियस के बारे में पढ़ा कि वारेनियस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में। आज हम पढ़ेंगे इमैनुअल कांट के बारे में कि इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो बात करें इमैनुअल कांट की, तो इनका जन्म कब हुआ? 1724 एडी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, उस टाइम पर क्या है, जो रशिया है, आज का रशिया, पहले ये हुआ करता था यूएसएसआर, मींस उसको सोवियत संघ भी बोला जाता था। तो उस टाइम पर ही कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ईस्ट पर्शिया में, जो कि किसका पार्ट था? रशिया का पार्ट था। देन इमैनुअल कांट की बात की जाए, तो उन्होंने अनेक सब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया, जैसा कि उनका कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ा जाता है। एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने थियोरी दी थी गैसियस हाइपोथेसिस। किसके द्वारा दी गई थी? इमैनुअल कांट के द्वारा। और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पहली थ्योरी ही किसने दी? इमैनुअल कांट ने, जिसको मोनिस्टिक थ्योरी में गिना जाता है। मोनिस्टिक थ्योरी क्या होती है? जो एक ही बॉडी से बनती है, और डुअलिस्टिक थ्योरी जो दो बॉडी से मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो अभी बताएंगे आगे, जैसे फर्दर मूव करेंगे। तो इमैनुअल कांट ने थ्योरी दी थी, और कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ये भी किसने बताया? इमैनुअल कांट ने। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, तो अनेक पार्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो जब इमैनुअल कांट आए, उन्होंने अपना मतलब उन्होंने अपनी बेसिक स्टडी कहाँ पर की? उनकी बेसिक स्टडी कहाँ पर हुई? कोनिसबर्ग यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर ही उन्होंने अपना अध्ययन किया, और वहाँ पर ही उन्होंने पढ़ाया। पहले उन्होंने एज अ प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाया, देन इसके बाद वो प्रोफेसर बने। प्रोफेसर के बाद वो फिर यहाँ पर वाइस चांसलर भी बने थे। ऐसा माना जाता है कि इमैनुअल कांट क्या है, इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर भी बोला जाता है, कि उन्होंने एक ही जगह बैठकर क्या है, ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन दिया। और ऐसा बोला जाता है कि वो ट्रेवल्ड 10 माइल से दूर नहीं किए, 16 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने ट्रेवल नहीं किया। मीन्स इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया था। उस टाइम पर क्या है, देखिए, जो हमने डार्क एज पढ़ा था, अब डार्क एज में क्या था? डार्क एज, अगर आपको याद हो, डार्क एज पीरियड में क्या था? चर्च की सुप्रीमेसी थी। चर्च की, देखिए वर्ड छोटे लिखे हैं इसीलिए हम बोल बोल कर पढ़ा रहे हैं। तो चर्च की सुप्रीमेसी थी, मीन्स क्रिश्चियनिटी क्या है, चरम पर थी। वहां पर क्या है, डोमिनेंस था चर्च का, कि जो फादर ने बोला, चर्च के फादर ने, वही मान्य था, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। सेम उस टाइम पर भी यही चल रहा था कि जो ज्योग्राफी थी वो किस से बंधी हुई थी? टाइट बॉन्ड विद थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? जिसमें आप गॉड के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ गॉड, मीन्स जिसमें भगवान के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या टर्म दी गई? थियोलॉजी। तो उस टाइम की जो ज्योग्राफी थी वो किस बॉन्ड से बंधी हुई थी? थियोलॉजी से। देन इसको मुक्त कराने में हेल्प किसने की? इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने अपनी थीसिस का टॉपिक रखा फायर पर, जिसका नाम था डी इग्ने, और इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मीन्स है द फायर, मीन्स आ। तो इनके थीसिस का टॉपिक भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है वन डे एग्जाम में। देन इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इमैनुअल कांट के
सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ द हेवन। ये इन्होंने कब दी? 1755 में। इसमें क्या बोला था इन्होंने? इसमें बोला था, इन्होंने थ्योरी दी थी गैसियस हाइपोथेसिस। यहाँ पर लिखे देते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमानुअल कांट। इसमें इन्होंने बोला था कि जो हमारी अर्थ बनी है या सोलर सिस्टम बना है, पहले वो क्या था? एक आग का गोला था। आग का गोला था, कैसी स्टेज में था? गैसियस स्टेज में था। अब धीरे 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 वो क्या हुआ? ठंडा होता गया। ठंडा हुआ तो ये इसके पार्टिकल्स क्या हैं यहाँ? एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो पहले क्या थे? वो स्टेटिक पोर्शन में थे, मतलब एक जगह रुके हुए थे। ये गैसियस फॉर्म में था, रुका हुआ था। देन इसमें क्या हुआ? पार्टिकल इसके पास पास आने लगे। अब पास पास आएंगे तो गर्मी बढ़ने लगेगी। तो गर्मी बढ़ने लगी तो पार्टिकल अपनी जगह से मूव करने लगे। तो मूव करने लगे धीरे धीरे, तो ये क्या है? फिर मोशन में आ गए। मोशन में आ गए तो ये सर्कुलेटरी, मतलब यहाँ पर घूमने लगे। अब घूमने लगे तो यहाँ पर फिर क्या हुआ? यहाँ पर धीरे धीरे सॉलिड होता गया। अब सॉलिड होता गया तो यहाँ पर पार्टिकल्स टूटने लगे, और वही पार्टिकल्स टूट कर क्या बने? जो आज का सोलर सिस्टम है, सन बना, प्लैनेट्स बने, और इसी से क्या है? सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। तो ये किसने बताया? ये बताया इमैनुअल कांट ने। तो ये थ्योरी थी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, जो कि किसके द्वारा दी गई? इमैनुअल कांट के द्वारा। अगर आपको इस थ्योरी को डिटेल में देखना है तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसमें हमने कराया था थ्योरीज रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो वहाँ पर ये देख सकते हो आप। देन इनके दो और वर्क थे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो इनको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इनको नज़र दौड़ा लेनी है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन। तो ये नाम याद रखना है। देन उन्होंने एक एस्से लिखा, उस एस्से का टॉपिक क्या था? एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया? इसमें उन्होंने रेसिस के बारे में बताया, इथनिक ग्रुप्स के बारे में बताया कि जो इम्पोर्टेंट रेसिस थी या इथनिक ग्रुप थे। तो देखिए, जो इमैनुअल कांट है, उनका कंट्रीब्यूशन फिजिकल ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। आज की फिजिकल ज्योग्राफी नहीं, कि जिसमें सिर्फ लैंडफॉर्म की बात होती है या एटमॉस्फेयर की बात होती है या फिर ओशियनोग्राफी की बात होती है। इन्होंने इसके बियॉन्ड भी चीज़ें बताई। इन्होंने जो लैंडफॉर्म्स हैं इनका रिलेशन किसके साथ? रेसिस के साथ बताया कि कैसे जगह जगह पर रेसिस, जो जनजातियां हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ। उसको रिलेट किया इन्होंने, जो आज का फिजिकल ज्योग्राफी है उसको ह्यूमन रेसिस के साथ इमैनुअल कांट ने रिलेट किया था। तो आज का जो फिजिकल ज्योग्राफी, उससे बियॉन्ड सोच कर इन्होंने ये चीज़ें बताई थी, और अपने एस्से में इसी चीज़ के बारे में लिखा था। तो उनके एस्से का टॉपिक क्या था? एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि कब दिया इन्होंने, कब लिखा? 1798 में। किसके बारे में बताया? रेसिस के बारे में, इथनिक ग्रुप के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल पर फैले हुए थे। देन वो क्या थे? थियोटिकल ज्योग्राफर। जैसा कि हमने बताया कि वो अपने लाइफ टाइम में 16 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। इनको क्या है? आर्म चेयर ज्योग्राफर भी बोला जाता है। इन्होंने एक ही जगह पर बैठकर थियोटिकल कॉन्सेप्ट दिए, तो इसलिए इनको थियोटिकल ज्योग्राफर भी बोला जाता है। देन आगे देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टडी की, उन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में भी बताया। उन्होंने ज्योग्राफी को बताया कि ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? किसी रीजन से या किसी स्पेस से। और हिस्ट्री को क्या बताया? वो टाइम से रिलेटेड है। मीन्स अगर आप क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो वो क्या होगा? हिस्ट्री होगा। एंड अगर आप पढ़ रहे हो स्पेस के बारे में तो वो किस में पढ़ा जाएगा?
ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा। तो स्पेस के बारे में उन्होंने ज्योग्राफी में बताया एंड टाइम के बारे में उन्होंने हिस्ट्री को बताया। तो ज्योग्राफी को उन्होंने डेस्क्रिप्टिव बताया, मीन्स ज्योग्राफी क्या है, डेस्क्रिप्टिव है, एंड हिस्ट्री को कैसा बताया, नैरेटिव है। नैरेटिव इन द सेंस कि जिसमें नैरेशन होता है, कि एक क्रोनोलॉजी की बात की जाती है, एक टाइम पीरियड की बात की जाती है। और ज्योग्राफी में चीज़ों को डेस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने बताया कि चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की जाती हैं। कांट ने कोरोग्राफिक वर्ड का यूज़ किया, कोरोग्राफिक वर्ड का यूज़ किया था, जिसका मीन्स क्या निकल कर आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा जाएगा, डेस्क्रिप्टिव टू डेस्क्राइब अर्थ, अर्थ के बारे में डेस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर फिर कौन आए, हेटनर साहब आए। हेटनर साहब ने जो ये कोरोग्राफिक टर्म है इसको कोरोलॉजिक बता दिया, कोरोग्राफिक को कोरोलॉजिक बता दिया। अब देखिए ग्राफी का मीन्स क्या होता है, टू डिस्क्राइब, जैसे जियोग्राफी होगी या जिस भी सब्जेक्ट के पीछे ग्राफी लग जाए तो उसमें क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, टू डिस्क्राइब। जैसे जियोग्राफी है तो उसमें अर्थ का डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पर कोरोग्राफिक है तो इसमें डेस्क्रिप्टिव टू डेस्क्राइब अर्थ बताया, लेकिन हेटनर ने इसको कोरोलॉजिक बता दिया। अब लॉजी क्या होता है, लॉजी में साइंस की बात आती है। इन्होंने बोला कि हेटनर ने, ये हेटनर हैं, इन्होंने क्या है कोरोलॉजिक बोला, तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लेनेशन डेस्क्रिप्शन के अलावा इसमें एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो उन्होंने इसको थोड़ा और बढ़ाकर बताया। कांट ने क्या बताया सिंपल शब्दों में, कोरोग्राफिक, एंड हेटनर ने कोरोलॉजिक। क्लियर, दोनों के मीन्स यहाँ लिखे हुए हैं, कोरोग्राफिक डेस्क्रिप्टिव टू डेस्क्राइब अर्थ एंड कोरोलॉजिक एक्सप्लेनेशन रेदर देन डेस्क्रिप्शन। तो ये इससे थोड़ा और हटकर है। देन इन्होंने एक अपना ये एनकुंडिंग लिखा, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया कि अर्थ को क्या है, पांच डिफरेंट वेज में क्या है, स्टडी किया जा सकता है या इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये नाम याद रखना, एनकुंडिंगुंग। इसमें इन्होंने क्या बताया कि अर्थ का जो स्टडी है या इंटरप्रेट किया जाता है पांच डिफरेंट वेज में। पहला मैथमेटिकल स्टडी अर्थ की, देन मॉरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी एंड थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को इन्होंने पांच डिफरेंट वेज में स्टडी करने की कोशिश की। एक में मैथमेटिकल, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में आते हैं। देन मॉरल ज्योग्राफी, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट आते हैं। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो आप पढ़ते हो बाउंड्री, फ्रंटियर वगैरह और कंट्रीज। देन कमर्शियल ज्योग्राफी, इसमें आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो। देन थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, जो कि जिसमें गॉड से रिलेटेड हमने बताया था कि थियोलॉजी कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, गॉड से। देन इन्होंने एक वर्क और लिखा, ओपस पोस्टुमम, जो कि इनके डेथ के बाद ही वो कंप्लीट हो पाया था। तो ये था इमैनुअल कांट के बारे में, और फाइनली इनकी डेथ कब हो गई थी, 1804 में। तो इमैनुअल कांट को किसके लिए जाना जाता है, तीन चार पॉइंट आप याद रखना, एक गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ द हेवन, जो कि 1755 में लिखा, और थियोटिकल ज्योग्राफर थे, और उनका एस्से का नाम याद रखना है। तो ये था इमैनुअल कांट के बारे में, यहाँ हमने इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ा। और अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।